देश के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा के निधन पर भारत देश उन्हें अलग अलग रूप में श्रद्धांजलि दे रहा है। समूचे विश्व में रतन टाटा श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने भारत देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। उनकी विदाई पर देश भर में शोक की लहर देखी गई। रतन टाटा एयर इंडिया के भी मालिक थे। उनकी विदाई पर वडोदरा के रंगोली कलाकार राजेंद्र डिंडोरकर ने श्रद्धांजलि के रूप में रंगोली के जरिए रतन टाटा को चित्रांजलि दी है। रंगोली में एयर इंडिया का प्लेन लेकर रतन टाटा को स्वर्ग में विलीन होते हुए प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है। गुजरात के वडोदरा के भाजपा विधायक शैलेश मेहता ने दुष्कर्म के आरोपियों का एनकाउंटर किए जाने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई के एपीएमसी मैदान में गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां रोजाना विधायक शैलेश मेहता के मार्गदर्शन में गरबा का आयोजन हो रहा है। अष्टमी के दिन विधायक शैलेश मेहता ने अग्रणियों के साथ आरती उतारने का लाभ लिया। इस मौके पर उन्होंने बेटियों पर बार बार हो रहे दुष्कर्म पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दुष्कर्म के आरोपियों का एनकाउंटर करवाए जाने की मांग की। आ घटनाओं बहुत दुखद है। गुजरात में तो खास घटनाओं पाछळ पर प्रांतीय लोग पकड़ाया छे। त्यारे मारा अंगत विचारों में लोगों ने एनकाउंटर करवा माटे पुलिस ने छूट आपवी जोईए, पुलिस नी धाक होवी जोईए। कारण के अत्यारे जे रीते आ बनाव बनी रहा छे એમાં એવું એસ્ટાબ્લિશ થઈ રહ્યું છે, પોલીસ ની કોઈ ભીખ નથી રહી। પોલીસે સુંદર કામગીરી કરી છે તમામ બનાવો। વડોદરામાં 48 કલાકમાં જ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યા। સુરતમાં ભાગતા આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા અને એમ એક આરોપીનો ગભરાઈને હાર્ટ એટેકથી મરણ પણ થયું છે। એ એમના કર્મ એમને જે તે મૃત્યુ તરફ લઈ ગયું છે। પણ આવાને એન્કાઉન્ટર કરતા પણ ખચકાવું ના જોઈએ અને એમાં તમામે પોલીસની પડખે રહેવું જોઈએ। કોઈ વાદ વિવાદ હોવો ના જોઈએ, કોઈ પણ દીકરી પર આવું કૃત્ય કરે અને સાખી નહીં લે। मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले को रावण का ससुराल माना जाता है, जहां रावण को दामाद मानकर लोग रावण की पूजा करते हैं। रावण का मध्यप्रदेश से गहरा नाता है। मध्यप्रदेश में भी दशहरा के दिन कई जगह रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन एक जिला ऐसा भी है जहां पुतला दहन नहीं रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए मंदसौर के लोग रावण को इलाके का दामाद मानते हैं। यहाँ रावण की करीब 41 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। मंदसौर शहर के खानपुरा में जहाँ पूजन करने के लिए नामदेव समाज के लोग आते हैं, यहाँ रावण की पक्की बनी प्रतिमा का सांकेतिक वध करते हैं। मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ की महिलाएं घूंघट में आती हैं और जब प्रतिमा के समीप पहुँचती हैं तब घूंघट निकाल लेती हैं। मंदसौर में लोग पूरे साल रावण की पूजा करते हैं। यही नहीं, मान्यता है कि रावण के पैर में धागा बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। धागा दाहिने पैर में बांधे जाते हैं, साथ ही क्षेत्र की खुशहाली, समाज सहित शहर के लोगों को बीमारियों से दूर रखने, प्राकृतिक प्रकोप से बचाने के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा अर्चना की जाती है। नामदेव समाज द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रावण वध का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दशहरे के दिन सुबह 10 बजे रावण के पैर में लच्छा बांधकर और सुख समृद्धि की कामना करके पूजा की जाएगी।
और शाम को गोधूली वेला में रावण का वध किया जाएगा। ऐसी किंवदंती है कि मंदोदरी मंदसौर की बेटी थी, इसलिए रावण को जमाई का दर्जा दिया गया है। और इसके बाएं पैर में लच्छा बांधने मात्र से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है और एकात्रा बुखार भी ठीक होता है। कल दशहरे पे सुबह 10 बजे पूजा अर्चना की जाएगी और शाम को गोधूली मेला में इसका वध किया जाएगा राम रथ के साथ में, जो अखाड़ा और सवारी आएगी राम जी की। दशहरे के दिन यहाँ नामदेव समाज के लोग जमा होते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद शाम के समय राम और रावण की सेना निकाली जाती है। रावण के वध से पहले लोग रावण के सामने खड़े होकर क्षमा याचना करते हैं। इस दौरान लोग कहते हैं कि आपने सीता का हरण किया था, इसलिए राम की सेना आपका वध करने आई है। रावण के 10 मुख होते हैं, लेकिन यहाँ 9 मुख ही हैं और बुद्ध भ्रष्ट होने के प्रतीक के रूप में मुख्य मुंह के ऊपर गधे का सिर लगाया जाता है। नामदेव समाज मंदसौर के सरसचिव राजेश मेड़तवाल ने बताया कि रावण की पूजा यहाँ क्यों की जाती है। उन्होंने बताया कि रावण के बारे में लोग बुराइयों की बात करते हैं, लेकिन वह प्रकांड पंडित थे, ज्ञानी थे, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। विजयदशमी पर्व नामदेव समाज बहुत ही धूमधाम से मनाता है। अभी रावण की महाराज की पूजा करने के लिए बड़ा मंदिर लक्ष्मीनाथ मंदिर से ढोल धमाके के साथ हम यहाँ पर आते हैं, रावण महाराज के पांव में लच्छा बांधते हैं और मंदसौर शहर की ही नहीं, हम संपूर्ण राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना यहाँ करते हैं। उनके पांव में लच्छा बांधने से एक व्याधि एकात्रा बुखार होता है वो भी ठीक होता है। और साथ ही ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर शहर की बेटी माना गया है, उसी के निमित्त हम सभी मंदसौरवासी यहाँ पर उनको रावण महाराज को जमाई राजा का दर्जा यहाँ पर देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि शाम को गोधूली वेला में रावण वध की परंपरा का यहाँ पर निर्वहन होगा। आप हमेशा देखते होंगे सभी जगह रावण का दहन होता है, यहाँ पर रावण का वध होता है। सवेरे पूजा और गोधूली वेला में शाम को रावण का वध, ये दोनों परंपराएं आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। विशेष रूप से पूजा इसलिए क्योंकि अच्छा ही है तो पूजा करना चाहिए, और कहीं व्यक्ति में अगर बुराई है, अहंकार आ जाता है, तो हमारा धर्म कहता है कि उसका वध करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, बुराई को खत्म करना चाहिए। और इसी प्रकार हम बुराई पर अच्छाई की जीत करेंगे और विजयदशमी पर्व को यहाँ पर धूमधाम से मनाएंगे। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every New Year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life. Which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
मदद ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है, कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व ब्लेड्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments, yatam number se grand living room with an amazing view, sath ek comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms lo pehla bedroom with an amazing balcony view. Sath the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best baat hai apartments nahi hai, kahin ya tumne mera se walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. राजस्थान के आबू रोड में जनहित कार्य को रीको के अधिकारियों ने रुकवाया। आबू रोड के सांतपुर ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप की बनाने की मंजूरी दी गई थी। हैंडपंप बनाने के लिए चल रही खुदाई को मौके पर पहुंचकर रीको के अधिकारियों ने रुकवाया। उनका दावा है कि यह जमीन रीको की है। सांतपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में 5 हयान खान ने पानी की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए पंचायत में हैंडपंप की मांग की थी, जिसके चलते यह खुदाई कार्य चल रहा था। इस मुद्दे पंच हयान खान ने जिला कलेक्टर को अवगत कराया, जिसके चलते तहसीलदार ने स्थल की मुलाकात ली और मामले को सुलझाने के लिए रीको ग्राम पंचायत और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलवा कर मामले का फैसला करवाने तक काम को बंद करवाया है। पंचायत द्वारा हेडपम्प खुदाया जा रहा था, उसमें रिको के अधिकारी आपने उन्होंने रुकवाया और उन्होंने सोमवार को सब अधिकारी को बिठा के और तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने ये बोला है कि सोमवार को जो भी है जिसकी भूमि है उसमें ये चिन्हित करके और वापस उसको परमिशन के लिए उन्होंने बोला फैसला करने के लिए। लेकिन रिको हर जगह आके रुकवा देती है। रिको जहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, अवैध हो रही है, वहाँ रिको नहीं रुकवाती। लेकिन एक जनहित में जो काम हो रहा है, एक बच्चों के लिए काम हो रहा है, एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी से जो 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं, वो
मतलब हर चीज में उनको पानी की जरूरत पड़ती है धुलवाने के लिए वगैरह, लेकिन ये लोग क्या है पानी के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन आज आए पानी के लिए, जब ग्राम पंचायत सातपुर ने ये बात आके ये पॉइंट करवाया, लेकिन उन्होंने आके रुकवा दिया। हर टाइम में ये रुकवाते हैं रिको की जमीन, रिको की जमीन। जब खातेदारी जमीन बोल रही है तो रिको की जमीन कहाँ से है? रिको ने अपनी जमीन खातेदारी खरीदी होगी। हर चीज में ये अवैध अवैध ये खुद अवैध कब्जा करने पे लगे हुए हैं। हमारे फॉर्म से कोई हमारे को शिकायत आई थी कि आपकी जो रोड बाउंड्री है उसमें कोई ट्यूबवेल करने का काम चल रहा है, तो हम तुरंत मौके पर आए और हमने प्रशासन को, तहसीलदार जी को, SDM साहब से भी बात हुई, तो वो भी आ गए मौके पे। और फिर हमने ये तय किया कि भाई सोमवार को हम इसके जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो सब साथ बैठ के और मौके पे देख के उसको फिर पॉइंट को चिन्हित कर लेंगे, जो रिको की जगह नहीं होगी, पंचायत की होगी या रिवेन्यू की होगी उसमें उसको अलाउ कर दिया जाए। गुजरात के वडोदरा में कल दशहरा पर्व के उत्सव को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। वडोदरा के पोलो ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भारत संस्कृति संघ द्वारा 44वीं रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया गया है। कल दशहरा के पावन अवसर के लिए सघन तैयारियां चल रही हैं। दशहरा के लिए रावण की ऊंचाई 55 फीट है, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण की ऊंचाई क्रमशः 50 और 51 फीट रखी गई है। इन पुतलों को बनाते कारीगर वडोदरा में एक महीने पहले ही आ जाते हैं और इनका निर्माण शुरू कर देते हैं। पटाखे को इन पुतलों में एक दिन पहले यानी आज डाला जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक रावण दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पोलो ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी दशहरा और रावण दहन का प्रोग्राम होता है रामलीला का, तो वो इस साल भी उसी कंटिन्यूशन में 44वां साल हो रहा है, 44th हमारा ईयर है। तो यहाँ ये हमारे कारीगर हैं, ये लोग सब आगरा से आते हैं और 10-11 दिन पहले आ जाते हैं और आके पुतले वगैरह सब है हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं, तो उनके वहाँ फैक्ट्री में हम लोग बनाते हैं। अभी आज सुबह ये सारे वहाँ से शिफ्ट होके आए हैं और अब इनका असेंबलिंग होगा। अभी आप देख ही रहे हैं, थोड़ी देर में इनका असेंबलिंग हो जाएगा और उसके बाद कल हमारा रामलीला प्रोग्राम है और शाम को 7 बजे शुरू होगी रामलीला और 9 बजे के आसपास इन पुतलों का दहन हो जाएगा। इस बार का हमारा थीम जो है वो रामराज है, क्योंकि रामलला का जन्म हो गया, उनका स्थान हो गया, अब वो अपने हिसाब से चलाएंगे, तो वही थीम है और उसके बाद बैकग्राउंड में हमारी पूरी रामलीला चलेगी।